आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मुंबई से बड़ी खबर है, एनसीबी ने आर्यन खान को गिरफ्तार किया था शाहरुख खान के बेटे, और अब उनकी क्लाफ कोर्ट में पेशी हुई है जिसमें आर्यन खान को बड़ा झटका लगा है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक दिन के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, मुनमुन थमेचा और अरबाज मर्चेंट जिनकी गिरफ्तारी आर्यन खान के साथ हुई थी, उन्हें भी एक दिन की एनसीबी की कस्टडी में भेजा गया है। तो एक दिन तक एनसीबी उनसे पूछताछ करेगी। जाहिर तौर पर इस पूरे मामले के सामने आने के बाद एक बार फिर से बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन गहरा गया है और लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो छानबीन कर रही है। और आपको बता दें, मुंबई के एक क्रूज पर ये ड्रग्स पार्टी चल रही थी जिसमें एनसीबी के अधिकारियों ने छापेमारी की थी, जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 7 लोगों को एनसीबी ने हिरासत में लिया था, जिसमें से 3 की आज गिरफ्तारी हुई है, जिन्हें मुंबई की क्लाफ कोर्ट में पेश किया गया। और आपको बता दें, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक दिन के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया गया है। हालांकि एनसीबी ने 2 दिन की कस्टडी की डिमांड की थी, लेकिन अब कोर्ट की तरफ से एक दिन की जो कस्टडी है वो एनसीबी को मिली है। ऐसे में जाहिर तौर पर अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो अधिकारी हैं वो अब 4 अक्टूबर तक ही इस तमाम कनेक्शन को खंगालने की कोशिश करेंगे। हालांकि कोर्ट में तमाम जो दलीलें हैं दोनों पक्षों की ओर से दी गई, यानी आर्यन खान के जो वकील थे सतीश मानसिंह थे, उनकी तरफ से भी ये मांग की गई थी कि आर्यन खान को अगर कस्टडी में रखा जाना है तो सिर्फ एक दिन के लिए, क्योंकि वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं और जमानत के लिए अर्जी दायर कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर एनसीबी की ओर से 2 दिन की कस्टडी की डिमांड की गई थी। और आपको बता दें, एनसीबी की ओर से यह साफ तौर पर कहा गया है कि उन्होंने आर्यन खान, मुनमुन थमेचा और अरबाज मर्चेंट को गिरफ्तार किया है, क्योंकि उनके पास से ऐसे तमाम सबूत जो हैं वो हाथ लगे हैं जो साफ तौर पर यह बयां करते हैं कि ना सिर्फ आर्यन खान ड्रग्स का सेवन कर रहे थे बल्कि ड्रग्स को बेच भी रहे थे और साथ ही सप्लाई करने का काम भी कर रहे थे। तो ये बड़े खुलासे जो हैं वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों की ओर से किए गए हैं। और ये भी खुलासा हुआ है कि किस तरीके से जो ड्रग्स था वो बड़ी मात्रा में इनके पास से जब्त किया गया। आपको बता दें, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी हैं, उनके पास से 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमटी, 22 ग्राम चरस और साथ ही एमटीएमए की 22 गोलियां जो है वो जब्त की गई है। और जो ड्रग्स जब्त की गई है उसकी जो कीमत है वो दरअसल 1,33,000 रुपये बताई जा रही है। और इस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी का जो आधार है वो साफ तौर पर ये बताया गया है कि ना सिर्फ आर्यन खान ड्रग्स का सेवन करते थे बल्कि ड्रग्स को सप्लाई करने का काम भी उनकी तरफ से किया गया, ड्रग्स को खरीदा भी गया और इसी आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि एक दिन तक वो अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी में रहेंगे, जहां जाहिर तौर पर ड्रग्स तस्कर के सामने आकर भी उनसे पूछताछ हो सकती है। जो उनकी व्हाट्सएप चैट सामने आई है जिसमें इस पूरे ड्रग्स की जो सप्लाई की चेन है उसका खुलासा हुआ है कि किस तरीके से अरबाज मर्चेंट के साथ उनकी बातचीत लगातार इस पूरे मामले को लेकर चल रही थी, लगातार वो इस पूरे ड्रग्स को किस तरीके से सप्लाई किया जा रहा था, किस तरीके से खरीदा जा रहा था, वो तमाम चीजें जो हैं उस व्हाट्सएप चैट में सामने आई है। और बताया ये भी जा रहा है कि जब क्रूज से उन्हें हिरासत में लिया गया तो उस वक्त उनके जूतों में भी जो चरस थी वो बरामद की गई है। तो किस तरीके से छिपाकर जो है वो वहां पहुंचे थे, किस तरीके से छिपाकर इस पूरे धंधे को अंजाम दिया जा रहा था, ये तमाम बड़े खुलासे जो हैं वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से क्लाफ कोर्ट में जब आर्यन खान, मुनमुन थमेचा और अरबाज मर्चेंट की पेशी हुई उस दौरान एनसीबी की ओर से किए गए। साथ ही ये भी खुलासा किया गया है कि संदिग्ध लेन देन भी हुआ है, ये भी एनसीबी ने कोर्ट को जानकारी दी है। तो तमाम जो दलीलें थी वो एनसीबी की ओर से कोर्ट में रखी गई, जो काम भी आई है, जो कि एक दिन की कस्टडी फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिली है, जो कि अपने
आप में उनके लिए अहम होगी। इस पूरे ड्रग्स कनेक्शन को खंगालने के लिए आखिर इसके तार कहां तक पहुंच रहे हैं, बॉलीवुड में जाहिर तौर पर उन ड्रग्स पैट्रियट के साथ भी बैठा कर पूछताछ कर सकती है। इसके अलावा क्रूज में जो बाकी लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिस कंपनी के चर्चे ये पूरी रेव पार्टी का आयोजन किया गया था, उसको भी उनके जो आयोजक हैं उन्हें भी उनसे भी पूछताछ जाहिर तौर पर एनसीबी करेगी। तो ये लगातार जो खुलासे हैं वो आने वाले वक्त में हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल एनसीबी को एक दिन की रिमांड मिली है जो जाहिर तौर पर अहम है। उनकी गिरफ्तारी बॉलीवुड में बड़े ड्रग्स कनेक्शन की ओर इशारा कर रही है और के एनसीबी के अधिकारी भी मान रहे हैं कि दरअसल इसमें सिर्फ यही लोग शामिल नहीं हैं, बल्कि अगर इनसे छानबीन की जाती है, अगर इनके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं अगर उन्हें खंगाला जाता है, तो उससे और ज्यादा सबूत जो है वो एनसीबी के हाथ आने वाले वक्त में लग सकते हैं। और इसको लेकर जो एनसीबी प्रमुख है उनका भी बयान सामने आ चुका था कि दरअसल ये एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन उन्हें मिली थी जिसके तहत के पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और उनकी तरफ से यह भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि दरअसल ये जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन एनसीबी को मिली थी, ये सुशांत सिंह राजपूत के ही एक करीबी कुणाल जानी को एनसीबी ने हाल ही में गिरफ्तार किया था और उन्होंने ही इस पूरे ड्रग्स पार्टी की इंफॉर्मेशन जो है वो एनसीबी को दी थी। ये खुलासा भी निकलकर सामने आया है और इसके तहत ही इस पूरे सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जहां 22 एनसीबी के अधिकारी जो है वो क्रूज पर पहुंचे और साधारण तरीके से टिकट ली गई, उसके तहत ही वो क्रूज पर पहुंचे और इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसमें ये भारी मात्रा में ड्रग्स जब्त हुई है, व्हाट्सएप चैट जो आर्यन खान की निकलकर सामने आई है। तो ये बड़ा झटका जो है वो बॉलीवुड के उस खेमे के लिए है जो लगातार इस तरीके के आरोप लगा रहा था कि बॉलीवुड में ड्रग्स के नाम पर कहीं ना कहीं ये बदनाम करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन अब जो खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। और आपको बता दें, आर्यन खान को दरअसल 3 धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 8C, 20B, 27 और 35 के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 10 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान भी है। यानी जो उनकी गिरफ्तारी हुई है उसमें 10 साल से ज्यादा की सजा जो है वो जेल में उनको काटनी पड़ेगी, ये इस पूरे धाराओं में प्रावधान है। तो फिलहाल मुश्किलें जो है वो बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान के उनके परिवार के लिए बढ़ चुकी है। और न सिर्फ उनके परिवार के लिए बल्कि बॉलीवुड में जो बड़े स्टार हैं, बड़े सुपरस्टार हैं, कहीं ना कहीं उनके बच्चों तक भी इस पूरे ड्रग्स पार्टी के तार जो हैं वो पहुंचते नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से बॉलीवुड में इस ड्रग्स के कनेक्शन का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। फिलहाल एनसीबी आर्यन खान और बाकी दो आरोपियों से क्या कुछ पूछताछ करेगी और इस पूछताछ में क्या कुछ खुलासे आने वाले वक्त में होंगे, ये पता चलेगा, क्योंकि फिलहाल आर्यन खान एनसीबी की एक दिन की रिमांड पर हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।